बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल रफिया किचन। आज की मेरी रेसिपी है एकदम मज़ेदार झटपट बनने वाली खुबली। ये देखिए मोहर्रम स्पेशल, एकदम खिले खिले चावल के साथ। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं खुबली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेल अच्छा गरम कर ली। ये 3 से 4 प्याज की डलियाँ हैं, इसको ऐसा स्लाइस में बारीक काट लिए, डाल लेना। बिस्मिल्लाह। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई, ये निकाल लेना, ये कलर पे निकाल देना, नहीं तो और जल जाती थी। ये सही कलर है, अब गर्म रहती ना और थोड़ा कलर आता इसको, ब्राउन होती और फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए प्याज को अच्छा ऐसा ब्राउन कलर ला लिया, इसको ठंडे को रख देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खुबली के लिए जो दाल रहती ना, चने की दाल, इसको अच्छा 2-4 पानी से धो के 1-2 घंटे से भिगा के रख दी। 1 कप है ये कप से 3 कप चावल ले रही हूँ, तो 1 कप चने की दाल लेना। इसको भिगा के रखिए, अच्छा धो के साफ पानी डाल के अब इसको उबाल लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए इसको 90-80% तक कर लेना, एकदम नरम भी नहीं कर लेना दाल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बासमती चावल है, ये 1 कप से 3 कप ली, 1 कप दाल ली, 3 कप चावल है। इसको अब धो ले के, साफ धो ले के एक आधा घंटा घंटा पहले भिगा के रख देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा इसको 2-4 पानी से धो ली, साफ पानी डाल के रखिए, अब ढाक के 1-2 घंटा भिगने रख देना इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए दाल अच्छा गल गई, ऐसा इतनी गलना, इससे ज़्यादा नहीं गलाना, बस अब निकाल देना। चलिए चूल्हा ऑफ कर दे के इसको पानी में से अच्छा छान लेना, छन्नी में पानी पूरा वो करके फेंक देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हा ऑफ कर दिया, अब इसको एक ऐसा छन्नी में डाल के पानी पूरा निकले तक रख देना डाल के। चलिए खुबली का जो मसाला रहता वो बना लेंगे, इसके लिए एक कढ़ाई रख ली, चूल्हा ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो प्याज था लेना उसका ही तेल ले ली मैं 1/4 कप। तेल को हल्का गर्म होने देंगे, तेल अच्छा गर्म हो गया, उसको चूल्हा को एकदम लो कर ली। अब ये जो प्याज था लेना अपन थोड़ी रख ले के बाकी की हाथ से ऐसा करके डाल दें। थोड़ी रख ली, इतने जब बिरयानी अपन दम देते ना डाल लेना, बल्कि थोड़ी रख। प्याज डाल ली, प्याज तो ब्राउन ही चाहिए, उसको ब्राउन वही करने का नहीं है, बस मैं अदरक लहसुन डाल लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन, ठीक अच्छी बो गए तक अदरक लहसुन की इसको भून लेना। चूल्हा लो टू हाई मीडियम पे रखना, एकदम फुल पे नहीं रखना। अच्छा प्याज को अदरक लहसुन को भून ली, थोड़े खड़े मसाले डालेंगे, एक तेज पत्ता है, ये चकला, लौंग, ये शाजीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये डाल लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब सूखे जो मसाले रहते वो डाल लेंगे। ये धनिया पाउडर है 2 चमचे भर के, लाल मिर्ची थोड़ी, हल्दी 1/4 चमचा, 1 चमचा भर के नमक, 1 चमचा कूटे हुआ गर्म मसाला, ये डाल लेना। मिर्ची नमक आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से डाल ले सकते हैं, मिर्ची कैसा खाते तेज हल्की वो हिसाब से डाल लेना। एक से दो मिनट मसाले को भून लेना इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाले को अच्छा भून ली, मिर्ची वह डाले बस ये 2 से 3 मिनट। अब दही डाल लेना, 1 कप दही है, इसको अच्छा फेड़ ली डाल लेना इसमें। चूल्हा लो पे रहना, फुल पे रख के दही डालना। इसको अच्छा मिक्स कर लेना। चलिए 5 से 6 मिनट दही को लो मीडियम पे अच्छा भून ली, इसका तेल सेपरेट हो गया। अब इसमें थोड़ा हरा मसाला डाल लेना, कोथमीर, पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं बीच में से आधे आधे करी, ये डाल लेना।
चलिए अच्छा, दही मसाले जो भी डाले अच्छा भुने जाके तेल अच्छा सेपरेट हो गया। अब इसमें जो अपन दाल उबाल के रख लिए, ये जो दाल उबाल के रख लिए ना अपन, पूरा पानी अच्छा ऐसा सुक्की कर ली मैं इसको, ये डाल लेना इसमें। अच्छा पूरा दही मसाला सब अच्छा दाल को लगे जैसा अच्छा मिक्स कर लेना। चलिए अच्छा इसको मिक्स कर ली। अब इसको 2 से 3 मिनट लो मीडियम पे इसको पकने देना ढक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 से 3 मिनट पके बाद चूल्हा ऑफ कर देना। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए 2 से 3 मिनट अच्छा पक गया, उसका पूरा तेल ऊपर सेपरेट होगा, इसको अब साइड में रख लेना। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल के लिए पानी रख ली, ये 1.5 लीटर पानी है, आधा किलो चावल लेना, 1.5 लीटर पानी रख लिया। अच्छा खुले पानी में पकाना चावल। ये तेज पत्ता, शाजीरा, इलायची, लौंग, चकला ये डाल लेना। थोड़ा हरा कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची 1 से 2, नमक, बिस्मिल्लाह 2 चमचे नमक भर के, मैं 2 चमचे डाल रही हूँ, उसमें भी डाले सो है ना मसाले में भी उबली के, वो हिसाब से डाल लेना, ये चावल के हिसाब का है 2 चमचे। बिस्मिल्लाह, नींबू, उसका छिलका भी डाल देना, 1-2 चमचे तेल, तेल घी कुछ भी डाल ले सकते, डालने से चावल अच्छे खुले खुले पकते हैं, चिपक जाते हैं चावल एक दूसरे को। चलिए इसको एक अच्छा बॉईल आने देंगे, ढक के रखे बिस्मिल्लाह रहमान में। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पानी अच्छा गर्म काउंटर, अच्छा बॉईल हो गया। ये जो भी डाले थे अपन खड़े मसाले ये निकाल लेंगे, इसका फ्लेवर आ गया उसमें, अगर रखना चाह रहे तो वैसे छोड़ दे के चावल डाल लेते। चलिए अब चावल डाल लेंगे इसमें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले से भिगा के रखे से चावल है। चलिए हाई फ्लेम पे अच्छा उसको 80-90% पका लेना चावल को। चलिए ढक के रख देंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए चावल हो गए 80-90% कुक हो गए, इसको निकाल लेना पानी में से। ये देखिए चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खुबली जिसमें दम देना है वो भगोना रख ली मैं, पहले नीचे थोड़ा तेल डाल लेना 1 से 2 चम्मच, जो चावल बनाए ना अपन उसमें का आधा आधा चावल डाल लेना नीचे। थोड़ी तली हुई प्याज, थोड़ा कोथमीर, पुदीना। अब जो ये खुबली का मसाला बना के रखे ना ये डाल लेना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो खुबली का मसाला बना ली थी ना दाल का, वो पूरा डाल दी इसमें। अभी तक कुछ भी मसाले में मैं नींबू डालिश नहीं, ऐसा स्लाइस बना के नींबू के रखना, इसका अच्छा मजा आता टेस्ट एकदम। थोड़ी तली हुई प्याज, थोड़ा कोथमीर पुदीना। चलिए अब जो बाकी के चावल है वो डाल लेना इसमें, बिस्मिल्लाह रहमान। बिस्मिल्लाह रहमान ने ऊपर के भी चावल की लेयर डाल ली, ये थोड़ा आधा कप उतना गर्म पानी है ये डाल लेना, जो चावल पकाए ना वो इस पानी है। बिस्मिल्लाह, 2 से 3 चमचे असली घी वो डाल लेना, थोड़ा फूड कलर, येलो फूड कलर। थोड़ी तली हुई जो प्याज बाकी की है वो डाल देना, बिस्मिल्लाह रहमान। चलिए एकदम रेडी है दम देने के लिए खुबली,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थाली ढाप देंगे इसके, ढाल के हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे थाली। चलिए अब चूल्हा सिलगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई फ्लेम पे 5 मिनट रखना है इसको। उसके बाद तवा रख के 15 से 20 मिनट लो मीडियम पे दम देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवे को हाई फ्लेम पे अच्छा गर्म कर ली। इसके ऊपर ये रख लेना भगोना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए एकदम लो मीडियम पे 10 से 15 मिनट दम दे देना उसको। उसके बाद एक 10 मिनट के बाद खोलना, दम देते कि नहीं खोलना भगोना। चलिए चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम हो के चूल्हा बंद करके भी 10 से 15 मिनट होगा। अब इसको खोल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए एकदम खिले खिले चावल, मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम मज़ेदार खुबली रेडी है, एकदम खिले खिले चावल के साथ। ये देखिए चावल, नीचे के चावल भी एकदम खुले खुले है। ये देखिए चलिए एकदम रेडी है खुबली। इसको डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एकदम मज़ेदार खुबली रेडी है। प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को। चलिए चलती हूँ, फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलूँगी आप लोगों से।